ये है बोइंग 777। बोइंग 777 की जब हम बात करते हैं तो ये अपने आप में खास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रंट व्हील है और उसका गियर है, यानी फ्रंट गियर बोलते हैं हवाई जहाज़ में, और उसके व्हील्स हैं। जब हम एविएशन की बात करते हैं तो तरह तरह के इंजनों की बात होती है, और उसमें एक इंजन है जेट इंजन, बोइंग 777 जेट इंजन से चलने वाला जहाज़ है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके का इंजन होता है। इस जहाज़ में दो इंजन होते हैं, ये इंजन उनमें से एक है, और दूसरे इंजन की अगर हम बात करें तो ये जो इंजन दिख रहा है वो दूसरा इंजन है। जेट इंजन एक खास तरीके की एवियानिक्स प्रिंसिपल पर काम करता है, ये प्रिंसिपल है। वैसे बेसिक की बात करें तो न्यूटन का क्रिया प्रक्रिया जो सिद्धांत है वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़े बड़े जो पंखे हैं बड़ी तेज़ी से अपनी तरफ हवा खींचते हैं, जो अंदर फ्यूल बर्न हो रहा होता है उससे ये पंखे बड़ी तेज़ी से चलते हैं, और इतनी तेज़ी से चलते हैं कि इसमें ज़बरदस्त तरीके का प्रेशर पैदा होता है। और जो ये प्रेशर पैदा होता है, जब हवा काफ़ी तेज़ी से अंदर जाती है तो ये हवा अंदर जाकर बाहर निकलती है, यानी प्रेशर के साथ बाहर निकलती है। और प्रेशर के साथ जब ये बाहर निकलती है तो ये जहाज़ को आगे की तरफ धक्का देती है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का ये इंजन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंजन है उसके पिछले हिस्से को यहाँ पर दिखाया गया है, किस तरीके का हिस्सा होता है। पीछे देखिए कॉनिकल शेप है, यानी आगे से जो हवा खींची जाती है बड़ी तेज़ी से वो पीछे आती है, उसका एक हिस्सा यहाँ से निकलता है और एक बड़ा हिस्सा, यानी हवा का एक बड़ा हिस्सा एक जेट स्ट्रीम की तरह निकलता है। यानी बाहर से ढेर सारी हवा आती है लेकिन वो जब पीछे निकलती है तो बड़ी स्पीड में निकलती है, और इतनी स्पीड में होती है कि इस पूरे के पूरे जहाज़ को वो ले उड़ती है, यानी आगे की तरफ धक्का देती है। जब हवा पीछे की तरफ बड़ी तेज़ी से जाती है तो वो जहाज़ को आगे की तरफ धक्का देती है, और कुछ इसी सिद्धांत पर इसका जेट इंजन काम करता है। अगर हम फ्यूल की बात करें तो इसमें 183,000 किलो का फ्यूल भरा होता है। और ये पंख दिख रहे हैं आपको, जहाज़ के जो पंख दिख रहे हैं आप देख सकते हैं, इन्हीं पंख के अंदर जो है वो फ्यूल भरा जाता है, इसके अंदर वो फ्यूल रहता है। देखिए किस तरीके से, कितना लंबा पंख है। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर ये जहाँ जहाँ तक विंडो बनी हुई है, यानी ऊपर आपको विंडो जो दिख रही हैं इनसे पता चलता है कि यहाँ तक फ्यूल रहता है, यानी इसके कोने तक जो है फ्यूल रहता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें फ्यूल रहता है, यानी जहाज़ के दोनों तरफ जो पंख हैं उसमें फ्यूल रहता है। और इस फ्यूल की अगर हम वज़न बताएं, इस फ्यूल का मेजरमेंट बताएं तो 183,000 लीटर या किलो फ्यूल इसके अंदर रहता है। और एक ख़ास तरीके का एवियानिक फ्यूल होता है जो बड़ी तेज़ी से जलता है और इंजन को ताकत देता है, इंजन को आगे बढ़ाता है। और इसके अगर हम पिछले पहियों की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके गियर खास तरीके के गियर डिज़ाइन होते हैं। ये पहिए नीचे से उठकर जब हवाई जहाज़ ऊपर बढ़ता है तो यहाँ पर सिमट जाते हैं, इस जगह पर आकर सिमट जाते हैं, और ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये बंद हो जाता है। ज़बरदस्त तरीके के गियर हैं। और ख़ास बात ये है कि यहाँ जब हम बात करते हैं कि जब जहाज़ ऊपर जाता है, ये जहाज़ 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है, तब ऊपर तो बड़ी ठंड होती है, यानी -60 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होता है। तो अंदर तापमान किस तरीके से मेंटेन किया जाए उसके लिए इसमें एक खास तरीके की यूनिट लगी होती है। बोइंग 777 देख रहे हैं आप, इसकी जो यूनिट होती है ये बाहर से जो हवा ठंडी आती है उसको इंजन की गर्म हवा के साथ मिक्स करके अंदर के केबिन में सप्लाई करती है।
वो सारी की सारी यूनिट यहाँ पर है। बोइंग 77 की अगर हम बात करते हैं तो पूरी तरीके से आप इसकी मैकेनिक्स समझ सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा, किस तरीके से ये जो जहाज़ ऊपर नीचे जाता है, जो वो हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये मूविंग पार्ट्स हैं जो मूव करते हैं, ऊपर नीचे चलते हैं। और एक और चीज़ आपने खास देखी होगी किसी भी जेट जहाज़ के अंदर, ये खास तरीके के हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे एंटीने टाइप के भी लगे होते हैं। ये क्यों होते हैं, कभी सोचा है आपने? ये जो एंटीने हैं अपने आप में खास हैं, खास इसलिए हैं क्योंकि जब जहाज़ ऊपर होता है तो हम कह सकते हैं कि लाखों वोल्ट का करंट या लाखों वोल्ट की स्टैटिक करंट इन पंखों पर जमा हो जाती है, उसको डिस्चार्ज करने का काम ये एंटीने करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो जहाज़ के पंख को जो भी छुएगा वो तुरंत जो है जलकर भस्म हो जाएगा, जलकर राख हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो खतरे हैं उनको टालने का काम ये स्टैटिक करंट के एंटीने करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको और चीज़ दिखाना चाहता हूँ किस तरीके की चीज़ें हैं। अब हम टेल एरिया की बात करते हैं तो इस जहाज़ में पीछे की तरफ एक इंजन होता है जिसको ऑक्सिलरी इंजन कहते हैं, यानी एक ऐसा इंजन जो सहायक इंजन होता है। जब जहाज का मेन इंजन नहीं चल रहा होता है तब ये इंजन काम करता है। यहाँ पर जो पूंछ में ये दिख रहा है आपको, ये ऑक्सिलरी यूनिट है, ऑक्सिलरी पावर यूनिट। और इससे जहाज जब एयरपोर्ट पर खड़ा होता है तब उसकी एसी की रिक्वायरमेंट या अंदर की जो बिजली की रिक्वायरमेंट वो पूरी होती है। जब जहाज़ ऊपर उठता है तब ये बंद हो जाता है। और पीछे की तरफ आप देखिए जो पंख दिख रहा है इसको रडर बोलते हैं, ये मूवमेंट में काफ़ी सहायक होता है। और पीछे के जो पंख हैं ये जहाज़ की जो हाइट है या ऊंचाई है उसको घटाने बढ़ाने के काम आते हैं। अब एक सवाल और उठता है, कहा जाता है कि जहाज़ का ब्लैक बॉक्स कहाँ है, तो जहाज़ का ब्लैक बॉक्स हम कह सकते हैं इस जगह पर होता है। कहीं ना कहीं जहाज़ को समझना अपने आप में अनूठी बात है, अपने आप में ख़ास बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो केबिन्स हैं पीछे, जो कार्गो होल्डिंग पार्ट है वो रियर कार्गो होल्डिंग पार्ट है ये, और उसके बाद अगर हम बात करें तो बल्क होल्डिंग पार्ट है। और यहाँ पर जहाज़ की मरम्मत चल रही है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक बार फिर से मैं आपको इंजन दिखाना चाहूँगा, ये इंजन अपने आप में खास है, इसी की ताकत से जहाज़ होता है, ये जेट इंजन है। और इसकी ताकत इतनी होती है कि अगर इसके पीछे साइड में कोई 200 मीटर की दूरी पर कोई ट्रक खड़ा हो, भरा हुआ ट्रक खड़ा हो, तो तिनके की तरह उड़ जाएगा, यानी इतनी तेज हवा निकलती है। तो यहाँ पर जहाज़ का मेंटेनेंस किया जा रहा है, बस आप देख सकते हैं।